Hey guys, Assalamualaikum Sassakaal. I hope आप सभी बहुत अच्छे होंगे. हम भी बहुत अच्छे हैं. मैं हूँ रानिया. मैं हूँ रोहन. और आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी कपल रिएक्शन. तो हम आ गए आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर. उस वीडियो का टाइटल है डॉक्टर जाकिर नाइक सर हिस्टोरिकल लेक्चर इन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कंप्लीट क्वेश्चन आंसर सेशन. तो देखते हैं वीडियो कैसी होने वाली है. आप लोग कैसा सवाल जो होने वाला है. ठीक है, एक बहुत बेहतरीन और जाने माने यूनिवर्सिटी पे है इनका लेक्चर. तो देखते हैं क्या है. ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक के देखो. बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो के थ्रू. तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक के देखना, कहीं नहीं जाना. तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के. वालेकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं. नाज़रीन, दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी और दुनिया के सबसे ज़हीन तलबा सामने खड़े हैं. दुनिया के सबसे ज़हीन तरीन आलिम अगर इनके सवालात चकरा देने वाले हैं और ज़हन को कश्मकश में डाल देने वाले हैं, तो आलिम के जवाबात ऐसे मुदल्लल और तफसीलात से भरपूर हैं कि ज़हन में बरसों से पड़ी गिरहें खोल देते हैं. ये मनाजिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के हैं. सामने बैठे हैं यूनिवर्सिटी के ज़हीन तरीन तलबा, जिनकी बाकायदा स्क्रूटनी करके यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने हॉल में भेजा है. इस हॉल में ऐसे ऐसे तलबा और तालिबात हैं जिन्होंने अवार्ड विनिंग आर्टिकल लिखे हैं, जिनके तस्करे अखबारात में आए रोज होते हैं. इनमें असातज़ा भी हैं जिन्होंने इन तलबा को सवाल करना सिखाया और इस काबिल बनाया कि वो सोच सकते हैं. कहीं भी उन्हें तहफ्फुज़ात हों तो सीना ठोंक कर पूछ भी सकते हैं. राय से इख्तलाफ की जुर्रत रखते हैं और नहायत सलीके से अपनी राय का इजहार भी करते हैं. इसलिए यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने हर क्लास से सरे फहरिस्त चंद तलबा को मुंतखब किया, उनको डॉक्टर जाकिर नाइक की आमद के बारे में बताया और उनको पूरी आज़ादी दी कि वो जो चाहें पूछ सकते हैं. किसी किस्म की रोक टोक नहीं. जो भी मकसद हो, जैसा भी सवाल हो, कोई पाबंदी नहीं है और इन तलबा ने ऐसा ही किया. डॉक्टर जाकिर नाइक से हर एक ने ऐसे ऐसे सवालात किए कि कोई मामूली सा इल्म रखने वाला होता तो ऐसे जहीन फतीन तलबा के सामने उसकी घिघी बन जाती. मगर इल्म के समंदर में हर रोज तैराकी करने वाले डॉक्टर जाकिर नाइक के पास तलबा के हर सवाल का जवाब था. उन्होंने हर सवाल को मतानत से सुना और इसका तसल्ली बख्श और तफसीली जवाब दिया. उन्हें मुतमईन किया और उनको एक शफीक उस्ताद की तरह अपने जवाबात की बारीकियां भी बताईं. हर सवाल करने वाला तालिब इल्म जब माइक से हटा तो उसका चेहरा मुतमईन नजर आया. आपको इन तलबा और तालिबात के सवालात और डॉक्टर जाकिर नाइक के तफसीली जवाब अंग्रेजी से हिंदी और उर्दू में तर्जुमा करके बताते हैं. नाज़रीन, जॉन नामी तालिब इल्म ने माइक पर आकर कहा कि मेरा सवाल इस्लाम में एजा रसानी या सजाओं से मुतालिक है. मुसलमानों को अपना दीन छोड़ने पर कत्ल कर दिया जाता है, जो बहुत ही खतरनाक चीज़ है, और लोग इसी वजह से इस्लाम से मुतनफ़र हो रहे हैं. मिसाल के तौर पर मेरी गर्लफ्रेंड तुर्की से है. वो पहले मुसलमान थी मगर जब उसने ईसाइत की सच्चाई जानी तो वो क्रिश्चियन बन गई. अब उसको डर है कि इसे दीन छोड़ने पर कत्ल कर दिया जाएगा. ऐसे ही वाकयात पाकिस्तान में सुनने को मिलते हैं. मेरा आपसे सवाल है कि आप मुसलमानों को कैसे सिखाएंगे कि इस्लाम छोड़ने वाले को कत्ल नहीं करना चाहिए? My question has to do with persecution, specifically how former Muslims are sometimes killed if they have chosen to leave Islam, deciding that another religion is more true. For example, my girlfriend is Turkish and she lives in Turkey. She used to be Muslim, but decided to become a Christian after understanding Jesus in a new way, as God made flesh. She has had fears in the past that she may be harmed or even killed for her decision. In light of the recent attention to this matter in Pakistan, with Miss Bibi and the blasphemy laws, my question is this: what are you doing, or what do you plan to do, to educate Muslims that if someone chooses to leave Islam, that person should not be killed? Dr. Zakir Naik ne sawal ke jawab mein kaha ke mujh par ye aksar ilzam lagaya jata hai ke main Islam chhodne wale ko qatl karne ki targhib deta hu. Ye bilkul galat hai. Ye ilzam meri puri taqreer se chand hisse kaat kar banaye gaye. Agar meri puri taqreer sune to maine is par tafseeli baat ki thi. Maine kaha tha ke bahut se scholar kehte hain ke Islam chhod kar दूसरा मजहब इख्तियार करने वाले को सजाए मौत मिलनी चाहिए. मैंने अपनी बात नहीं की या अपनी राय नहीं दी थी, दूसरे स्कॉलर्स की बात की थी. मैंने कहा था कि इस्लाम छोड़कर
दूसरे मजहब में जाने वाले के लिए सजाए मौत एक हल नहीं है। मैंने मिसाल दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक शख्स ने इस्लाम छोड़ दिया और उसने कुछ ऐसे बुरे काम किए जिसकी वजह से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इसको कत्ल कर देना चाहिए। लेकिन जब हजरत उस्मान ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि इस शख्स को मुआफ कर देना चाहिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआफ कर दिया। इस वाक्य से साबित होता है कि इस्लाम छोड़कर दूसरा मजहब इख्तियार करने वाले के लिए सजाए मौत कोई रहनुमा उसूल नहीं है। अगर कोई इस्लाम छोड़ देता है और साथ ही ऐसे गुनाह करता है जो काबिले माफी नहीं और सजाए मौत के जुमरे में आते हैं तो ही उसको कत्ल किया जाना चाहिए। मगर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेरे मुताबिक मजहब छोड़ने वाले को कत्ल करना कोई हल नहीं है। डॉक्टर साहब ने कहा कि मेरी पूरी गुफ्तगू की बजाय मेरी तकरीर के चंद हिस्से काट लिए गए और बरतानवी सेक्रेटरी दाखिला को दिखाए गए और उन्होंने भी पूरी तहकीक की बजाय इस पर यकीन कर लिया। जब मुझे इंग्लैंड में बैन किया गया मेरा अगला शेड्यूल कैनेडा जाने का था मगर मेरा वीजा मंसूख हो गया। मीडिया पर कहा गया कि तबलीगी नफरत अंगेज बातें करता है और उन्होंने मेरी तकरीर के काटे हुए हिस्से दिखाए जिसमें मैं कह रहा था कि जब अपनी बीवी को मारो तो मुंह पर मत मारो, जिस्म पर निशान न छोड़ो। वो ये काटे हुए चंद हिस्से दिखा रहे थे मगर पूरी तकरीर को नहीं दिखा रहे थे। जब आप सिर्फ यही दो बातें सुनेंगे तो हर कोई सोचेगा कि जाकिर बता रहा है कि अपनी बीवी को कैसे मारना चाहिए, जिस्म पर निशान बाकी न रहे। असल में एक गैर मुस्लिम ने सवाल किया था कि इस्लाम में बीवी को मारने का हुक्म दिया गया है, तो मैंने उसको सूरह निसा की आयात से बताया था कि अगर आपकी बीवी आपसे वफादार न रहे तो पहले उससे बात करना छोड़ दो, फिर वफादार न रहे तो उसके साथ एक बिस्तर पर सोना छोड़ दो, उसके बाद उसको ऐसे मारो कि दर्द ना हो, चेहरे पर मत मारो, जिस्म पर ऐसे मारो कि निशान ना पड़े, यानी ऐसे मारना जैसे टूथब्रश से मारा जाए जिससे वो दर्द नहीं होता और निशान नहीं पड़ता। इस्लाम और कुरान कभी तशद्दुद की हिदायत नहीं करते। आज के दौर में ये ऐसे ही है जैसे रुमाल से किसी को मारना, ये अलामती सजा है। तो मेरी सारी बातों को हजफ करके सिर्फ अपने मतलब की बातें बताई गई। दीन छोड़ने पर मौत की सजा वाली बात भी ऐसे ही है जिसको बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया। हकीकत में जो मेरी पूरी तकरीर थी वो किसी ने दिखाई ही नहीं। इफ ही डज सम एक्ट व्हिच रिक्वायर्स टू बी पनिश्ड बाय डेथ डिपेंडिंग अपॉन द एक्ट ही हैज डन, बट अकॉर्डिंग टू इस्लाम एंड अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन अकॉर्डिंग टू मी डेथ पेनल्टी इज नॉट द स्टैंडर्ड रूल फॉर एनी मुस्लिम हु चेंजेस हिज फेथ एंड प्रोफेसेस एनी अदर रिलीजन। नाज़रीन, अगला सवाल ग्यून नामी लड़की ने किया। उसने डॉक्टर साहब पर आयत पाबंदी से मुतालिक सवाल किया और कहा कि आप पर इंग्लैंड में पाबंदी से मुतालिक मेरा सवाल है कि आपने कहा कि हुकूमत ने महसूस किया कि आप इंग्लैंड में उन मुसलमानों तक पहुंच सकते हैं जिन तक हुकूमत नहीं पहुंच सकती। मेरा सवाल है कि आपको क्या लगता है कि हुकूमत क्यों उन मुसलमानों तक नहीं पहुंच सकती थी या उन पर असरअंदाज क्यों नहीं हो सकती थी जैसा कि आप हो सकते थे। So if you like, I'm Yasmin, I'm a student at the university, and my question is sort of related to the last question. You talked about you wanted to come to the UK because you wanted to reach out to Muslims who you felt that the government were not able to reach out to. And I wondered why, in your opinion, you felt that the government were failing in this way to reach out to Muslims in Britain. Dr. Zakir Naik ne sawal ke jawab mein pehle wazahat ki ke maine nahi kaha ke main un logon tak पहुंचना चाहता था, बल्कि ऐसा महकमा इंसदाद दहशतगर्दी के डायरेक्टर चार्ल्स फॉक को लगता था कि मैं उन मुसलमानों तक पहुंच सकता था जिन तक हुकूमत की रसाई नहीं। बरतानवी हुकूमत यह समझती है कि इंग्लैंड में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला इस्लामी चैनल पीस टीवी है और सबसे मशहूर एंकर जाकिर नायक है। उनको शायद ये लगता था कि मैं उन पर असरअंदाज होकर कुछ मनफी असर डाल सकता हूँ, इसलिए मुझे बैन किया गया। उस लड़की ने दूसरा सवाल पूछा कि हुकूमत का इन मुसलमानों तक पहुंचने का मकसद क्या था। डॉक्टर जाकिर नायक ने बताया कि अगर मेरी राय पूछे तो मुझे लगता है कि हुकूमत को यह नहीं सोचना चाहिए कि मुसलमान मसले की जड़ है, बल्कि उन्हें यह सोचना चाहिए कि मुसलमान मसले के हल का हिस्सा है, क्योंकि बहुत से मुसलमान हैं जो बरतानवी शहरी हैं और यह हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वो इस मुल्क के कवानीन पर अमल करे जिसमें वो कयाम कर रहा है। जब तक कि वो कवानीन इस्लामी कवानीन रिवायात अहकामात और तालीमात से मुतसादिम ना हो या फिर इसको ऐसे काम से रोकें जो करना मजहब में जरूरी है।
डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं भारत से आया हूं और भारत में कोई ऐसा कानून नहीं जो किसी मुसलमान को मजहबी तालीमात की अदायगी से रोके या फिर मजहबी अहकामात की रूगर्दानी पर मजबूर करे। तो मैं एक अमल करने वाला मुसलमान हूं और मुझे अपने भारतीय होने पर फख्र है क्योंकि मेरा मुल्क मुझ पर कोई मजहबी पाबंदी नहीं लगाता। मुझे लगता है कि ऐसे कई बरतानवी भी होंगे जो मेरी तरह ही अपनी कौमियत पर फख्र करते होंगे। हुकूमत को मुसलमानों पर एतमाद करना चाहिए, मीडिया की जानिब से इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा खत्म कराना चाहिए और मुसलमानों को बदनाम करना बंद करना चाहिए। मीडिया का सबसे बड़ा शिकार तो मैं खुद हुआ हूं। पीस टीवी के करोड़ों देखने वाले हैं, वो सारे के सारे जानते हैं कि मैं अमन का पैगंबर हूं। कई ममालिक के सरबराहान ने मुझे रियासती मेहमान का दर्जा देकर बुलाया है। तो क्या आप कह रहे हैं कि जो शख्स कई ममालिक में रियासती मेहमान की हैसियत से रहा हो वो दहशतगर्दी को प्रमोट कर रहा है? डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि ये सारा प्रोपेगेंडा मीडिया का फैलाया हुआ है। हुकूमत को मीडिया के फैलाए जाल में फंसना और जल्दबाजी में फैसले लेने की बजाय सारी चीजें देखनी चाहिए, उनको सफाई का पूरा मौका देना चाहिए। इस तरह से इंग्लैंड एक ज्यादा बर्दाश्त करने वाला और अमन पसंद मुल्क कहलाएगा। There are many heads of states of several foreign country, many. They have called me as the state guest. So do you mean to say all these state guests of several countries, the president, the prime minister, the king, the sheikh, they meet me, they have dinner with me. Do you mean to say they are meeting a person who is promoting terrorism, a person who spreads hate? So what I'm saying that this is all again manipulated by the media. So the government should not fall prey to the media and take any decision hastily. Nazreen, teesra sawal Azmi nami us ladki ne doctor sahab se hijab se mutalliq sawal kiya aur kaha ki aap kehte hain ki hijab aurat ko mehfooz rakhta hai. Meri nazar mein to hijab aurat ko dabata hai aur uski tazleel karta hai. Ye aurat ko dabata hai aur isko muashre mein khul kar jeene nahi deta. आप क्या कहेंगे इस बारे में? I said in your speech you talk about the hijab being something that serves to protect a woman. But how is it not extremely patronizing and degrading in not allowing the woman to make that decision herself? डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल के जवाब देते हुए बताया कि हिजाब की तल्कीन कुरान पाक में की गई। औरत को यहां तक हिजाब का हुक्म है कि सिर्फ उसका चेहरा और कलाइयों तक हाथ बाहर हो सकते हैं, इसके अलावा जिस्म का कोई हिस्सा नहीं। डॉक्टर साहब ने बताया कि हिजाब का हुक्म बाइबल में भी है जिसमें कहा गया है कि औरतों को पर्दा करना चाहिए, कपड़े ऐसे पहनने चाहिए जो शायस्ता लगे और उन्हें जेवर नहीं पहनना चाहिए। बाइबल में भी एक और जगह लिखा है कि अगर औरत सर नहीं ढांपती तो उसके बाल काट देने चाहिए। बेशक मैं इससे इत्तफाक नहीं करता कि ऐसा करना चाहिए, मगर बाइबल का हवाला मौजूद है। वेदा में भी लिखा है कि औरत के लिए हिजाब लाजिम है। तो सिर्फ इस्लाम ही नहीं बल्कि सारे मजाहिब पर्दे की बात करते हैं। जो भी आसमानी किताबें औरत को अपने आप को ढांपने का कहती हैं वो इनकी तजलील नहीं बल्कि उनकी शायस्तगी की बात करती हैं। डॉक्टर साहब ने उस लड़की से कहा कि मेरे खिलाफ एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि मैं कहता हूं कि औरत हिजाब नहीं करती या मगरबी लिबास पहनती है तो उसका रेप होता है। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। मैंने कहा था कि अगर औरत जिस्म को जाहिर करने वाले कपड़े पहनती है तो ज्यादा चांस है कि उसका रेप हो सकता है। जिस संडे टाइम्स ने मेरे खिलाफ ये लिटरेचर उछाला उसने एक साल पहले एक आर्टिकल लिखा था कि अगर औरत भड़कीले कपड़े पहनती है तो उससे डेट करना चाहिए और ये कि बर्तानिया में हर 7 में से एक मर्द समझता है ये ख्वातीन जिस्मानी हिस्से जाहिर करने वाले लिबास पहनती हैं उन्हें हिट करना चाहिए। एक और मौके पर इसी अखबार ने लिखा था कि 26% बरतानवी शहरी समझते हैं जो औरत जिस्म की नुमाइश करने वाले कपड़े पहनती है उसके रेप के चांस ज्यादा हो सकते हैं। इन ब्रिटेन 1 out of 7 ब्रिटिशर्स बिलीव दैट द वुमेन हु वेयर रिवीलिंग एंड सेक्सी क्लोथ शुड बी हिट। आई डिसएग्री विद दिस। फर्दरमोर वन मोर आर्टिकल केम इन 2005 इन द सेम न्यूज़पेपर संडे टाइम्स। इट सेड दैट 26% ऑफ द ब्रिटिशर्स दे फील दैट वेयरिंग रिवीलिंग क्लोथ्स इज पार्शियली और टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेप। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जितना आप खुद को शायस्तगी से पेश करते हैं उतना ही आप महफूज रहते हैं। तो मैं समझता हूं कि हिजाब आपकी तजलील नहीं करता बल्कि आपकी इज्जत नफ्स को बढ़ाता है। इस्लाम किसी को जबरदस्ती मजबूर नहीं करता बल्कि जिंदगी गुजारने का तरीका बताता है। हिजाब औरत को दबाने का नहीं बल्कि उसकी इज्जत और एहतराम का जरिया है। डॉक्टर साहब ने बताया कि मुख्तलिफ ममालिक में रहते हुए
कुछ मुआशरती अवामिल असरअंदाज हो सकते हैं, जैसा कि कुछ मुआशरों में औरत को देखना भी नाशायस्तगी समझा जाता है, कुछ में देखने में बुराई नहीं बल्कि छूने में बुराई समझी जाती है। इसी तरह कुछ मुआशरों में हाथ मिलाना भी शायस्ता समझा जाता है और कुछ मुआशरे ऐसे होते हैं जिसमें अगर मर्द औरत राजी हों तो जो मर्जी करें उसको बड़ा तसव्वुर नहीं किया जाता। डॉक्टर साहब ने बताया कि अमरीका में लेक्चर दे रहा था तो एक शख्स ने कहा, तुम इंडियन लोग बहुत ही बेशर्म होते हो। मैंने पूछा क्यों, तो वो बोला कि तुम्हारी खवातीन अपना पेट दिखाती हैं। मैंने उसे बताया कि भारत में साड़ी पहनकर पेट दिखाना बुरा नहीं समझा जाता, निकर पहनने को बुरा तसव्वुर किया जाता है, ऐसे ही जैसे अमरीका में शॉर्ट्स पहनना एक नॉर्मल चीज है मगर पेट दिखाना बुरा तसव्वुर किया जाता है। ये मुआशरती तब्दीलियां हैं जो हर मुल्क और हर खित्ते में मुख्तलिफ हैं, इस पर आप तनकीद नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब ने उस लड़की से मुखातिब होते हुए कहा कि बर्तानिया में भी मैंने देखा बेशुमार खवातीन हिजाब करती हैं, हालांकि बर्तानिया में तो उन पर कोई पाबंदी नहीं, कोई उनको मजबूर नहीं कर रहा कि वो खुद को ढांप कर रखें, वो हिजाब अपनी मर्जी से पहनती हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि दीन में कोई जबर नहीं है, अगर औरत समझती है कि उसकी इज्जत नफ्स और तहफ्फुज के लिए जरूरी है तो वो हिजाब पहन सकती है। नाजीन, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? ये तो वीडियो बहुत ही बेहतरीन वीडियो था, बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे ना, बहुत बेहतरीन बेहतरीन। और ये इधर सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में इनका लेक्चर हुआ, कितनी बड़ी बात है डॉक्टर जाकिर नायक सर के लिए और हमारे लिए भी, ठीक है, क्योंकि हम भी इनको फॉलो करते हैं और सीखते हैं इनसे बहुत कुछ, इतनी अच्छी अच्छी चीजें बताते हैं। और ये चीज बहुत सही बोले ये वीडियो पे कि डॉक्टर जाकिर नायक जैसे इंसान, डॉक्टर जाकिर नायक थे जो हमेशा गोता लगाते रहते ये सब क्वेश्चन आंसर वाले पे, है ना, दीन इस्लाम और भी अदर रिलीजन के बारे में उनको इतना नॉलेज है, तब वो इतने अच्छे से जवाब दे पाते, नहीं तो इतने ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना तो कोई भी थोड़ा घबरा जाएगा जवाब पैनिक हो जाता है ना थोड़ा। यस, तो गाइस ये था वीडियो, आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती कमेंट करके राय बताना, और अगर आप इस वीडियो पे न्यू हो गए तो इस वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू गाइस।